गुड मॉर्निंग। जो आज का सेशन है, सेशन नंबर 36, और जो हमारा सेशन का एजेंडा रहेगा वो रहेगा मिनरल रेशियो इन श्रिम फार्मिंग और कैलकुलेशन ऑफ द आयंस। तो आज हम उसमें सारा सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम सबको समझेंगे और जितने भी हमारे टेस्ट रिक्वायर्ड है आपके फार्मिंग में उन सबको। तो चलिए शुरू करते हैं। This is a free awareness initiative on a World Fisheries Day 2021. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल Ancient India Agribusiness को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। Also press the bell icon so that you can get the latest update for our upcoming video. Towards the success of aquaculture, और जितना भी सेशन रहेगा हमारा हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। This is session number 36. एक कदम मत्स्य पालन सफलता की। तो जो हमारा ग्रोथ का इंपॉर्टेंस है उसमें मिनरल इंबैलेंस आर वन ऑफ द रीजन फॉर क्रॉप फेलियर। तो काफी बार फार्मर उसको नोटिस करता है कि अर्ली मोर्टेलिटी, स्लो ग्रोथ, सर्वाइवल का कम होना, तो सब कुछ वो मिनरल इंबैलेंस से जुड़ा हुआ। तो उसको आप अंडरस्टैंड कीजिए, देन उसको जितना भी कल्चर प्रैक्टिस है उसमें वो फॉलो। मिनरल रेशियो इन श्रिम कल्चर, तो अभी ब्रैकिश वाटर में जितना भी अपना कोस्टल लाइन है वहां पर अच्छे से कल्चर हो रहा है, पर अभी जो लो सलाइन एरिया है आपका, लो लाइन इनलैंड या फ्रेश वाटर में भी फार्मिंग कर रहे हैं और सारे जो मिनरल रेशियो है उसमें इक्वल नहीं है। तो अगर हम सोडियम और पोटेशियम का बात करें तो 28:1 का उसमें रहेगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम की बात करें तो 1:3 की वैल्यू रहेगी और कैल्शियम पोटेशियम की बात करें तो 1:1 रहेगा। ये मेमोराइज रखें आप हमेशा और इसका कंपैरिजन हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाएंगे। तो जो आपके जनरल टेस्ट हैं वो आपका पीएच सबसे पहला इंपॉर्टेंट, सैलिनिटी क्योंकि उसी से आप अपने आयनिक बैलेंस निकालेंगे, एल्कलिनिटी, हार्डनेस और टर्बिडिटी, ये आपके बेसिक टेस्ट हैं जो आपको करने ही होंगे। उसके बाद मिनरल टेस्ट क्योंकि उसी से आपका प्रेजेंट वैल्यूज आएगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, बाइकार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड। तो ये आपको मिनरल बैलेंस देगा जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम उसकी वैल्यू देंगे और कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जो आपका सीधे प्रपोजिशन रहेगा एल्कलिनिटी के लिए। जो मेन है कि जो फार्मर छोड़ देता है वो है आपके वाटर पोल्यूशन, जिसमें गैसेस के फॉर्म में आपको मिलेगा। जो सबसे ज्यादा है वो आपका अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये आपके आयनिक बैलेंस है, मिनरल कंपोजिशन है एज पर द सैलिनिटी। तो कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम के जितनी भी वैल्यूज डिपेंड करेंगी वो सारी आपकी सैलिनिटी पर डिपेंड करेंगी। जितना सैलिनिटी बढ़ता जाएगा उतना ही आपका मिनरल कंपोजिशन बढ़ता जाएगा। तो एज सच कोई थंब रूल नहीं है, पर उनका जो रेशियो है उसी पर वो डिपेंड करता है। तो आपके कुछ भी सवाल हैं, सुझाव हैं, कमेंट हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव या और भी किसी विषय पर आप हमसे जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, हम उस पर पूरे साइंटिफिक अप्रोच के साथ वो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। अगर आप हमसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर कुछ पूछना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं तो 9971155753 एज अ नंबर। We are Ancient India Agribusinesses, low investment business ideas and secure your investment. We are working as a progressive farmer, training and knowledge partner, consultant, business planner and partner. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल Ancient India Agribusiness को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। Also press the bell icon so that you can get the latest update for our upcoming video. इसी तरह की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो इसको अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप में फॉरवर्ड कीजिए, जिससे ज्यादा
ये रिलेवेंट इंफॉर्मेशन उन फार्मर लोगों के पास तक पहुंच सके। धन्यवाद।